हाय फ्रेंड्स मैं हूं मानव वेलकम टू मूवीज शूवी जब कभी को भी, भी कोई ऐसी सीरीज होती है ना जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होती है जो कोर uh, ऑफ भारत है uh, उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है वो थोड़ी सी आजकल लोगों को ज्यादा एक्साइट करने लग गई है जैसे गुल्लक वगैरह हो गई या फिर पंचायत हो गई जहाँ पर गांव दिखाया जाता है और ये बात तो मानने वाली है, ही है सब लोग ये मानते ही हैं कि जितना इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं पर एट द सेम टाइम उतने ही बड़े बड़े गाँव हैं और गाँव का कल्चर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है अगर आप वेस्ट साइड पर जाएंगे नॉर्थ साइड पर जाएंगे ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो जो बिहेवियर है गाँव का जो कल्चर है मान्यताएं वो अलग अलग होती हैं तो अलग कल्चर को लेके, अलग मान्यताओं को लेके बिहार और उसके बॉर्डर के आसपास क्या तरीके के नॉर्म्स रहते हैं विलेज के अंदर वही निर्मल पाठक की घर वापसी में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आप एक ऐसे इंसान की कहानी देखेंगे जिसके फादर और वो बहुत ही पहले गांव छोड़ के चले जाते किसी रीज़न की वजह से वो मैं आपको बताऊंगा नहीं और 24 साल बाद ये लड़का वापस आता है और जब ये वापस आता है तो उसका बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है और इसका एक छोटा भाई भी होता है उसका नाम होता है आतिश और बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है आपको एक दो एपिसोड में काफ़ी हंसी भी आती है क्योंकि जिस तरीके का उसको वेलकम मिलता है वो थोड़ा प्रेसिडेंटेड होता है और जो गांव के लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फनी है स्पेसिफिकली uh, ये बात मुझे काफ़ी फनी लगती है कि वहाँ के गांव के लोगों का जो नामकरण होता है जैसे कहते हैं ना एलियस नेम वो बना दिया जाता है जो वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आ, किसी को ठेकेदार बोल दिया क्योंकि वो कभी ठेकेदार बन ही नहीं पाया या फिर कोई तहसीलदार बोल दिया किसी को या फिर किसी को सूबेदार साहब बोल दिया क्योंकि वो पुलिस वाला नहीं कभी बन पाया या फिर किसी को इंजीनियर साहब बोल क्योंकि वो आठवीं फेल हो गया तो इस तरीके के आपको वहाँ पर चीज़ें दिखती है तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि गाँव वगैरह में क्या होता है कि खेती करने के बाद आपके पास टाइम होता है आपको गप लगानी होती है गप में ये सब चीज़ें आपके अच्छे तरीके से चलती रहती है वो होता है धीरे धीरे निर्मल को भी मज़ा आने लग जाता है इस गाँव के अंदर वो अपनी एक्चुअल माँ से भी मिलता है जो आपको ट्रेलर में भी क्लियर हो जाता है वो मैंने आपको कोई स्पॉयलर नहीं दिया है हालांकि अब उसकी जो पालने वाली माँ है वो वापस दिल्ली के अंदर ही है तो ये थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल आदमी है ये आया है और लेकिन उसको गाँवों में एक फ्लेवर आना शुरू हो जाता है उनकी लोगों की सादगी उनका प्यार अच्छा लगने लग जाता है बट सून ही रियलाइजेज दैट कि ना ये कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर गांव के अंदर ये शायद इनकी जो सोच है वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई है चाहे लोग अच्छे हैं और ये जो लोग आ, की जो सोच है वो इसीलिए कि क्योंकि कई सालों से इसी तरीके से वो सोचते आए हैं तो इसको चेंज करना इसको इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हुआ है बीस सालों के अंदर वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये होती नहीं है जैसे छुआछूत हो गया या फिर लोअर कास्ट अपर कास्ट हो गया अमीर गरीब हो गया ये सब जो डिसपैरिटीज़ हैं ये शायद गाँव में थोड़ी ज़्यादा होती हैं

जो गाँव खेड़े में थोड़ी ज़्यादा होती हैं और लेकिन जो सिटीज़ होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा कम होता है किसी को समय ही नहीं है ये सब चीज़ें सोचने का तो किस तरीके से उसकी फैमिली के अंदर डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है जो कि बहुत बड़ी फ़ैमिली है उसके जो चाचा है फिर उसके बाद जो उसकी आगे चाची समझ लीजिए फिर उसके बाद उसके आगे बच्चे हो गए फिर उसके आगे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स जो इन्वामेंट बनाया है गाँव के अंदर एक प्रधान साहब भी हैं फिर उसके बाद एक पॉलिटिशियन भी है ये सब इस आदमी की सोच से यानी निर्मल पाठक की सोच से थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि इसकी जो सोच है वो थोड़ी सी मॉडर्न है इक्वालिटी की तरफ है और ये लोगों से परेशान हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोच को चैलेंज करता है अब ये पूरी भसड़ जो होती है गांव की और इसकी खुद की पर्सनल लाइफ में और जो इसके इक्वेशन ख़राब हो जाती है इसके घर के अंदर वो आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगती है एक्टिंग ठीक ठाक करिए जो आतिश सॉरी ये जो निर्मल पाठक का जो कैरेक्टर क्टर है इंटेंसिटी और हो सकती थी गंभीरता और हो सकती थी एक बेटर एक्टर को लिया जा सकता था लेकिन जो आतिश का कैरेक्टर है स्पेसिफिकली वो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर रहा है जो उसके भाई का कैरेक्टर है वो बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है वो इतना नेचुरल है और स्पेसिफिकली जो लास्ट एपिसोड के अंदर उसका एक सीन आता है जिसके अंदर वो पेड़ के साथ कुछ करता है ठीक है गुस्से में आके काफी ज्यादा वो सीन देखने वाला है वो मतलब जिस तरीके से वो करता है बड़े बड़े एक्टर्स जो आज हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं उस तरीके की वो गंभीर तरीके की उसने यहां पर एक्टिंग करी है ओवरऑल बेसिस में ये बोलूंगा कि गांव खेड़ की कहानी है आपको हर चीज बिलीवेबल लगेगी आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि ये बिलीवेबल नहीं है पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ कमी है आपको हर सीन के अंदर लगता है कि ये सही तो है ये ठीक तो है लेकिन आपको कन्विक्शन नहीं आती आपकी जो कैरेक्टर्स है अटैचमेंट होनी चाहिए एक दो को छोड़ के वो होती नहीं है क्योंकि आ, हर कैरेक्टर को सिर्फ सरफेस लेवल पे टच करके छोड़ दिया गया तो चाहे वो आतिश का कैरेक्टर हो चाहे उसकी जो भावियां हैं उसका कैरेक्टर हो उनके आगे बच्चों का कैरेक्टर हो इनफैक्ट इन पाठक का जो कैरेक्टर है वो भी हो उसके अंकल का जो कैरेक्टर है वो और जो प्रधान वगैरह बने हुए हैं उनके कैरेक्टर बस ऐसे टच करके छोड़ दिए गए हैं लेकिन फिर भी ये सीरीज मतलब इतनी बुरी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एंगेज करती है और सोचने पे मजबूर करती है कि, कि क्या गांव खेड़ों में अभी भी यही होता है तो मेरे अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो जेन्यूनली बिहार साइड से हैं और इस तरीके के बॉर्डर पे कस्ब पे हैं यूपी और बिहार के बॉर्डर के अंदर बक्सर स्पेसिफिकली जहाँ का ये दिखाया गया है वहाँ के अभी भी ये मान्यता होती है मैं तो पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं तो जो सीरीज में देखा उस पर बिलीव कर रहा हूँ मैं कभी गया नहीं बक्सर तो आप मेरे को बताइए बट अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये सीरीज आपको बहुत कुछ सोचने पे बिलीव कराती है अगर नहीं होता है तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से प्रेजेंट करी गई है कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा बिलीवेबल नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं और आके जाते रहते हैं तो अगर किसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना लगाव और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है तो मेरे को ओके ओके लगी ये सीरीज़ कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी इस वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा बी थोड़े और बेहतरीन एक्टर्स और थोड़ा और बेहतरीन स्क्रीन प्ले होता तो थोड़ी ज़्यादा इंगेजिंग हो सकती थी बाकी छोटी सी सीरीज़ है ज़्यादा बड़ी है नहीं सिर्फ पाँच एपिसोड है आगे पीछे का नामकरण वगैरह हटाओगे तो पच्चीस पच्चीस मिनट के सिर्फ एपिसोड है फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं लास्ट जो एपिसोड है उसको इस तरीके से छोड़ा गया कि शायद इसका सीज़न टू भी आएगा क्योंकि तो स्टोरी आगे भी जाएगी अभी हाफ ही कंप्लीट हुई है तो बाकी हम मिलेंगे यार एक और रिव्यू और अपडेट के साथ डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब द चैनल बाय